सो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ब्रूस ली के बारे में। आप ब्रूस ली को एज अ फाइटर, एज अ एक्टर जानते होंगे, बट आज मैं एक ब्रूस ली को अलग ही इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। ब्रूस ली एक लीडर है और एक फिलोसोफर भी है और एक टीचर भी है। आपने अगर उनके कोर्स पढ़ोगे तो आपको एक अलग ही ताकत मिलेगी उनके कोर्स के साथ। आई कैन टेल यू कि वो बहुत ही अमेजिंग पर्सन है। अगर आप उनके पूरे के पूरे कोर्स को अगर डीपली समझोगे तो आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकोगे कि वो कितने अनलिमिटेड मतलब एक बहुत ही एक अपसाइडर लेवल के पर्सन है। तो आज हम उन्हीं के कोट को क्लैरिफाई करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एम्प्टी योर माइंड एंड बी लाइक अ वाटर। इनका समझना है, जब भी कोई टीचर आपको पढ़ाता है वो आपको क्लोज माइंडेड नहीं रहना है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो क्लोज माइंडेड होते हैं, जब भी कोई सिखाता है उन्हें तो यार मुझे सब कुछ पता है, क्यों सिखा रहा है यार, मुझे तो बहुत कुछ मालूम है, मुझे तो दुनिया भर का ज्ञान पता है, तो तुझसे क्यों सीखो, तुझे तो कुछ भी नहीं पता है, एक चीज़ आती है तो मैं क्या तुझसे सीख लूँ। ऐसे बहुत सारे क्लोज माइंडेड पीपल है। बट इनका ऐसा मानना है कि आपके माइंड को ओपन करना है और एम्प्टी करना है। आपके माइंड को जब आप एम्प्टी करोगे तभी कुछ भर पाओगे। अगर कचरे से आपका माइंड भर चुका है तो अच्छा चीज़ कहाँ पे डालोगे और कहाँ भरोगे। तो इनका समझना है, जब भी आप एक नए टीचर के पास जाते हो कोई चीज़ मत सोचना, कोई मतलब प्रेडिक्शन मत लेना। जब जो भी टीचर वो सिखा रहा है सिर्फ अपने माइंड में भरते रहना, क्योंकि अगर वो एक असली टीचर है तो आपको एक अच्छी ही बात बताएगा। तो कोई प्रेडिक्ट मत करना कि यार ये चीज़ मुझे पहले भी पता है, ये मैंने सीखी है, ये किसी और ने भी कहा था, ये प्रेडिक्ट मत करना। जो भी वो बता रहा है वो अपने एक बी लाइक वाटर, एक फ्लो की तरह उसे सुनते रहना है और एक एम्प्टी माइंड के साथ सुनते रहना है। तो बहुत बार मैंने संदीप माहेश्वरी जी के वीडियोज़ में भी सुना है कि यार वो संदीप माहेश्वरी जी की एक बात को दूसरे वीडियो में जोड़ते और वो कोई कॉम्बिनेशन कर लेते हैं और कहते हैं कि यार संदीप सर आप कुछ अलग ही बात करते हो। बट संदीप माहेश्वरी जी ने भी कहा है कि यार आप मेरे वीडियोस को एक वीडियोस पे को दूसरे वीडियोस से कनेक्ट मत करना, क्योंकि हर जगह पे मैं एक अलग बात करता हूँ। तो इसी तरीके से ब्रूस ली भी हर जगह पे एक अलग पर्सन बनने को कहते हैं। यानी कि हर जगह अपने माइंड को एम्प्टी रखिए, कोई पर्सपेक्टिव मत लीजिए, एक वाटर की तरह एक क्लियर नज़रिया अपना रखिए। I see your talents have gone beyond the mere physical level. Your skills are now at the point of spiritual insight. I have several questions. What is the highest technique you hope to achieve? To have no technique. Very good. What are your thoughts when facing an opponent? There is no opponent. And why is that? Because the word I does not exist. So, continue. A good fight should be like a small play, but played seriously. A good martial artist does not become tense, but ready. Not thinking, yet not dreaming. Ready for whatever may come. When the opponent expands, I contract. When he contracts, I expand. And when there is an opportunity, I do not hit. It hits all by itself. Now, you must remember, the enemy has only images and illusions, behind which he hides his true motives. Destroy the image and he will break the enemy. एनीथिंग अबाउट एनी वन एडवांस। इनका समझना है किसी के बारे में एडवांस में कुछ मत सोचिए, कोई पर्सपेक्टिव मत लीजिए कि वो ऐसे होगा, वो नॉलेजेबल होगा, वो नॉनसेंस होगा, वो स्टूपिड होगा, वो पोअर होगा, वो रिच होगा। ऐसे कोई पर्सपेक्टिव उसके उस पर्सन के बारे में हमें नहीं रखना है। एकदम वाटर की तरह, एक फ्लो की तरह हमें उसके पास जाना है और एडवांस में उसके बारे में कोई नहीं बात करनी है। एवरी चैलेंज इज अ न्यू इन योर लाइफ एंड यू कैन फाइंड आंसर ओनली इफ यू हैव नथिंग इन योर माइंड रिलेटेड टू दैट प्रॉब्लम। जितनी भी प्रॉब्लम हमारे साथ आती है वो एक अलग ही नई प्रॉब्लम होती है। एक ही प्रॉब्लम हर बार हमारे साथ नहीं आती है। तो इनका समझना है, अपने माइंड को एकदम क्लियर रखो, एम्प्टी रखो और उस प्रॉब्लम के बारे में सोचो। ना कि आप उस प्रॉब्लम को ऐसे देखो कि मैंने ये प्रॉब्लम पहले सॉल्व की है और ये चीज़ें ऐसे लगती है, और आप उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन फाइंड करने के बजाय आप उस प्रॉब्लम को और बढ़ा रहे हो, क्योंकि आप उसमें और भी टूल्स और एलिमेंट्स ऐड कर रहे हो। तो इनका समझना है, आप एक क्लियर और एम्प्टी माइंड के साथ हर चैलेंज को देखिए, हर प्रॉब्लम को देखिए, तभी आप उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, तभी आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। इफ़ यू कैन गेट कनेक्टेड विद द प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ देन यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम इन दैट प्रॉब्लम लाइक अ वाटर। जब भी आप एक प्रॉब्लम के अंदर डीप में जाके आप उसे समझोगे, उसमें एक मिलकर आप जब प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तब एक प्रॉब्लम सॉल्व होती।
जैसे कि पानी के साथ जब आप बहा के मतलब जब आप उस पानी के साथ आकर चलोगे तभी आपको प्रॉब्लम की मतलब नज़रिया दिखेगा कि पानी क्या है। जब आप अंदर जाओगे तभी आपको एक पानी की असली मतलब रियलिटी दिखेगी। तो आपको जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो एक रियलिटी के साथ देखो, वो अंदर जाके देखना है। तो उसी तरीके से इनका ऐसा मानना है कि बी लाइक अ वाटर, आपको वाटर की तरह बनना है। जितना वाटर इज सॉफ्टर देन सॉफ्टर, हार्डर देन हार्डर। एक पानी आपने देखा होगा कि थोड़ी थोड़ी इतनी सी जगह में वाटर चला जाता है और बड़े बड़े पहाड़ों को भी वाटर फोड़ सकता है। तो इनका ऐसा मानना है बी लाइक वाटर, सॉफ्टर देन सॉफ्टर, हार्डर देन हार्डर। सबसे सॉफ्ट क्या है दुनिया में? वाटर ही है। यानी कि आप अगर ऐसे भी करो तो वो मतलब पूरे ये हो जाएगी। और अगर एक पहाड़ को भी हिला सकता है यानी कि दैट इज़ सो हार्ड। यानी कि आपको सॉफ्टर देन सॉफ्टर भी बनना है, हार्डर देन हार्डर भी बनना है। आपको कभी कभी मतलब बहुत ही एक सिचुएशन के अनुसार से आपको चलना चाहिए। इफ़ यू वॉन्टेड टू ग्रो एक्चुअली इन योर लाइफ, यू वॉन्ट टू बी अनस्टॉपेबल इन प्रैक्टिकल सेंस, नॉट ऑन थेरोटिकल, बट देर इज़ ओनली वन आंसर, यू नीड टू बी लाइक अ वाटर। अगर आपको दुनिया में अनस्टॉपेबल बनना है, एक वाटर की फ्लो की तरह जाना है, तो इस ग्रो करना है, तो एक ही मतलब एक ही आंसर है उसके लिए, एक प्रैक्टिकल सेंस में रहिए, नॉट ऑन थेरोटिकल। आपको एक पानी की तरह बहते रहना है तभी आप ग्रो कर सकते हो। जब तक आप पानी की तरह बहते रहोगे तब तक आप ग्रो करोगे, क्योंकि पानी उतना जब पानी रुक जाता है तो आपको पता होगा उसमें उसमें वायरसेस, उसमें बैक्टीरियाज आ जाती है। तो आपको रुकना नहीं है, जब आप रुकोगे तो आप मर जाओगे। तो आपको पानी की तरह, पानी के बाहर की तरह एक फ्लो होते रहना है। डू नॉट प्रे फॉर एन ईजी लाइफ, प्रे फॉर स्ट्रेंथ टू एंड्योर अ डिफिकल्ट वन। इनका ऐसा मानना है कि ऐसी लाइफ को प्रे मत कीजिए, ऐसी लाइफ को प्रे कीजिए कि जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है, और उसके लिए सहानुभूति मांगिए कि आप उसके लिए एक स्ट्रांग बने। एक एक बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ को चूज़ कीजिए और उसके लिए स्ट्रांगनेस होने की भगवान से प्रे कीजिए, ना कि एक सॉफ्टवेयर होने की और एक ईजी लाइफ की। तो इनका ऐसा मानना है जितने जितने हार्डर आपके स्ट्रगल्स होंगे उतने ही हार्डर आपका सक्सेस मिलेगा। एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट प्रॉब्लम इन देयर लाइफ्स एंड इफ दे डोंट हैव प्रॉब्लम्स देन दे आर नॉट अलाइव। सबके अलग अलग प्रॉब्लम होती है, और जब तक टिल यू हैव प्रॉब्लम्स यू आर अलाइव। जब आपके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी तो आप मर चुके होगे। बहुत से लोग कहते हैं कि यार मेरे साथ ये क्यों, मेरे साथ ही क्यों। भाई तू जिंदा है इसलिए तेरे साथ है, अगर मर जाएगा तो क्या है, क्या फेलियर और क्या सक्सेस, क्या क्या मतलब आपके साथ मिस्टेक होगी और क्या आपको राइट मिलेगा। अगर आप जिंदा हो तभी आपको फेलियर आ रहा है, दैट मीन्स कि आप जिंदा हो, तो उसकी खुशी मनाइए कि आप जिंदा हो। यानी कि आप अभी भी एक्टिंग में हो, कुछ ना कुछ करके तो चीज़ें आप बना सकते हो, बट अगर आप अलाइव ही नहीं हो तो आप क्या करोगे यार। एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट प्रॉब्लम। आई डोंट फियर द मैन हु हैव प्रैक्टिस द 10,000 किक्स वन टाइम, आई फियर द मैन हु प्रैक्टिस वन किक 10,000 टाइम्स। इनका समझना है मैं उस पर्सन से नहीं डरता हूँ जो 10,000 तरीके की प्रैक्टिसेस को एक बार करता है, मैं उस पर्सन से डरता हूँ जो एक प्रैक्टिस 10,000 टाइम पे करता है। तो ऐसे मतलब ऐसे बंदे बनिए जो एक ही काम करता है, जो 10,000 बार करता है, ना कि 10,000 काम एक बार करता है। तो ऐसे पर्सन बनना है जो कि आप एक एक चीज़ में बहुत ही परफेक्ट होना है, तभी आपकी लाइफ अच्छी बन सकती है। जब भी आप एक प्रैक्टिस करोगे एक राइट डायरेक्शन में, तभी आप एक परफेक्ट मैन नहीं बन पाओगे। जब आपकी प्रैक्टिस फोकस के साथ अलाइन होगी तब आप एक राइट पर्सन एट अ राइट टाइम बनोगे। तो आपकी हमेशा जब भी प्रैक्टिस आप करोगे एक फोकस के साथ राइट डायरेक्शन में करना, और वो प्रैक्टिस आपको परफेक्शन की तरफ लेके ही जाएगी, ये इनका वादा है। तो यही तक था वीडियो, आगे भी अब्दुल कलाम जी पे और बहुत सारे स्वामी विवेकानंद जी पे ऐसे वीडियोज आने वाले हैं। तो बाय बाय।